जय श्री राम दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसान कोटा आबादी प्लॉट के बारे में। डिटेल से पूरी आपको जानकारी देंगे, क्या होते हैं किसान कोटा प्लॉट, किसको मिलते हैं किसान कोटा प्लॉट, कौन इन प्लॉटों को देता है, कौन इन प्लॉटों को डेवलप करता है, कौन कौन इन प्लॉटों को खरीद सकते हैं, सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि काफी लोगों के हमें कॉल, मैसेज, कमेंट वीडियो में आ रहे हैं कि आप एक बार किसान कोटे पे एक डिटेल्स वीडियो बनाइए। तो आज की पूरी वीडियो डिटेल के साथ होगी। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको किसान कोटा प्लॉट के बारे में बता दूं कि क्या होते हैं किसान कोटा प्लॉट। देखिए, पहले हमें समझना होगा, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो या यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी हो, मोस्टली तीनों अथॉरिटी एक ही रूल पे काम करती है, एक ही रूल को फॉलो करती है। तो किसान कोटा प्लॉट जो है वो चलते हुए आ रहे हैं नोएडा से ही, क्योंकि पहले नोएडा डेवलप हुआ था, उसके बाद ग्रेटर नोएडा, उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का डेवलपमेंट चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। तो जब नोएडा डेवलप हुआ था, नोएडा के डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्टों के लिए जमीन की जरूरत थी, वो जमीन थी किसानों के पास, यानी कि जमीन जो लेनी थी वो किसानों से लेनी थी, किसानों के पास थी। तो किसानों से जमीन लेने के लिए अथॉरिटी को, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, उसे मुआवजा देना होता है, मुआवजे के साथ साथ प्लॉट देना होता है। जो मुआवजा है वो धनराशि के रूप में दी जाता है, पैसे दिए जाते हैं, और उसी के साथ साथ प्लॉट दिया जाता है। इसी प्लॉट को इसलिए दिया जाता है किसानों को कि इसमें वो रह भी सके और अपना कोई काम कर सके। इसीलिए इन प्लॉटों को 50% कॉमर्शियल और 50% रेजिडेंशियल भी बोला जाता है, इसीलिए इन प्लॉटों को सेमी कॉमर्शियल प्लॉट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये प्लॉट अथॉरिटी जो है वो ही किसानों को देती है। इसमें किसान अपना रहे या कोई रोजगार करे, दोनों ही ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। अब इसमें कुछ लोगों का डाउट होता है कि ये काम कॉमर्शियल जो है वो 18 मीटर 24 मीटर वाली रोड पे होता है। देखिए, नोएडा में तो आपको 24 मीटर रोड देखने के लिए मिलेगी मोस्टली जगह पे, ग्रेटर नोएडा में भी आपको 24 मीटर कहीं भी रोड देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ा रोड जो है वो 18 मीटर का ही आपको देखने के लिए मिलेगा, बाकी यहाँ पे 7 मीटर, 7.5 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर के आपको ग्रेटर नोएडा में रोड देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से सेक्टर 20 में भी आपको यमुना एक्सप्रेस वे पे भी इसी तरीके से प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे किसान कोटे। तो किसान कोटे का जहां भी प्लॉट है, चाहे वो किसी भी साइज के रोड पे है, वहीं पे आप उसमें रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल 50-50% का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे 18 मीटर या 24 मीटर, ये हो जाता है 18 मीटर और 24 मीटर या 12 मीटर पे कॉमर्शियल वर्क करना थोड़ा इजी हो जाता है, छोटे रोड पे नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ा सा इसलिए ये होता है, बाकी आपका प्लॉट अगर किसी भी रोड पे है तो आप वहां पे रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों ही काम कर सकते हैं। अब इनको डेवलप कौन करता है, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, अथॉरिटी ही इन प्लॉटों को किसानों को देती है और अथॉरिटी ही इनको डेवलप करती है इन प्लॉटों को। जिस तरीके से वो अपने प्लॉटों को डेवलप करती है, उसके रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट या कॉमर्शियल प्लॉट है जहां पे लाइट पानी की सुविधा अथॉरिटी देती है, इनमें भी अथॉरिटी ही डेवलप करती है। नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट है तो नोएडा अथॉरिटी करेगी, ग्रेटर नोएडा के हैं, ग्रेटर नोएडा के एरिया में आते हैं तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी करेगी, अगर यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के हैं तो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी करेगी। साथ के साथ जिनको ये प्लॉट मिलते हैं, जिन किसानों को, उनको डेवलपमेंट चार्ज पे करना होता है, वो अथॉरिटी वाइज अलग अलग है, कौन सी अथॉरिटी में कितना है, किस अथॉरिटी में कितना, किस अथॉरिटी में कितना है, तो वो पर मीटर के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज भी लेती है इनको, प्लॉटों को जब उनको डेवलप करके देती है। अब ये जब पहले नोएडा में प्लॉट किसानों को दिए गए थे, किसान कोटा आबादी के प्लॉट, तो वहां पे प्रावधान था 5% किसान कोटा प्लॉट, यानी कि जितनी उनकी जमीन जाती है, जो भी किसी भी साइज में उनकी 1000 मीटर जमीन जाती है या उनकी 2000 मीटर या 5000 या एकड़, कितनी चाहे 10 बीघे, 30 बीघे, 50 बीघे, कोई भी जमीन जाती है, तो उनको उसके हिसाब से 5% के प्लॉट दिए जाते थे नोएडा में। सबसे छोटा साइज जो था वो 60 मीटर का था, और सबसे बड़े से बड़ा साइज, अगर किसी किसान की कितनी भी जमीन जाती है तो उसको 2500 मीटर से कोई बड़ा साइज इसमें नहीं मिलता है। ये तीनों ही अथॉरिटियों में यही रूल है, मैक्सिमम जो बड़ा साइज होगा वो आपका यहाँ पे 2500 मीटर का होगा, छोटे से छोटा साइज आपका 60 मीटर का होगा, चाहे आपकी कितनी भी जमीन जाए। तो वो उसके हिसाब से 5% वहां पे दिए गए। फिर जब ग्रेटर नोएडा डेवलप हुआ, ग्रेटर नोएडा के डेवलपमेंट के लिए जमीन की रिक्वायरमेंट हुई, तो यहाँ पे बढ़ा के उसको 6% कर दिया गया, मगर किसान उसमें संतुष्ट नहीं हुए, कुछ किसान कोर्ट गए, वहां से उनकी मांग थी कि हमें ये 10% के हिसाब से प्लॉट दिए जाए। तो 6% एक बार पहले अथॉरिटी दे चुकी थी, फिर 4% के प्लॉट उन्हें अलग अलग लोकेशन पे फिर से दिए गए। तो इस तरीके से ग्रेटर नोएडा में किसान कोटे के प्लॉट। अब आती है यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की बारी, तो वहां पे इसको बढ़ा के 7% कर दिया गया, मगर देखा देख ग्रेटर नोएडा की
यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंडर जो किसान आते थे उन्होंने भी मांग करी कि ग्रेटर नोएडा में 10% दिया गया, तो हमें भी 10% के साथ ही किसान कोटे के प्लॉट मिलने चाहिए। अभी इसकी मांग चल रही है, अभी इस पर कोई भी डिसीजन नहीं आया है। बाकी कई बार बैठक हुई है, चर्चा हुई है अथॉरिटी के अधिकारी और किसान जो कुछ संगठन है उनकी, तो इसमें ये निकल के आया है कि हाँ ये हो सकता है 10% जैसे ग्रेटर नोएडा में हुआ है वो यमुना में भी हो सकता है। उस पर क्या डिसीजन आता है उस पर एक अलग वीडियो लेके आएंगे। तो इस तरीके से ये किसान कोटे के प्लॉट होते हैं। अब बात आती है कि इनको किस तरीके से कोई खरीद सकता है या कैसे ये खरीदे जाते हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए आप देखेंगे नोएडा या ग्रेटर नोएडा, पहले मैं आपको बता दूं इसमें दो तरीके के प्लॉट होते हैं, एक होते हैं रजिस्टर्ड और एक होते हैं अनरजिस्टर्ड प्लॉट। अनरजिस्टर्ड प्लॉट वो है जैसे कि किसान को प्लॉट मिल गया, उसे अलॉटमेंट लेटर मिल गया तो वो प्लॉट उसको मिल गया, अब वो मिल गया, अभी वो प्लॉट है अनरजिस्टर्ड। किसान को क्या है कि उसकी रजिस्ट्री करानी होती है, उसका जो स्टाम्प की ड्यूटी होती है, स्टाम्प ड्यूटी होती है जो गवर्नमेंट को जाती है, वो स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है, उसके साथ साथ उसे रजिस्ट्री करानी होती है। जब प्लॉट का लीज प्लान तैयार हो जाता है, प्लॉट साइड पे लग जाता है, मौके पे प्लॉट लग जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो अथॉरिटी उनके घर लेटर भेजती है कि आपका प्लॉट मौके पे लग चुका है, आप उसकी लीज डीड करा ले यानी कि रजिस्ट्री करा ले। पहली रजिस्ट्री जो होती है वो चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो या यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी हो, पहली रजिस्ट्री जिसको प्लॉट मिलता है, जिस किसान को प्लॉट मिलता है उसी के नाम पे रजिस्ट्री होती है। तो इस तरीके से उसकी रजिस्ट्री होती है। अब आपको ग्रेटर नोएडा और नोएडा में तो मोस्टली और ग्रेटर नोएडा में भी आपको 80% 85% रजिस्टर्ड प्लॉट ही देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आप किसी भी लोकेशन पे जाएं। आप यहाँ पे जैसे कि चुहड़पुर है, कासना है, लुक्सर है, खानपुर है, सिरसा है, जैतपुर है, मायचा है या रायपुर है या गंगोला है, काफी यहाँ पे लोकेशन है ग्रेटर नोएडा में, वहां पे आप देखेंगे तो आपको मोस्टली प्लॉट जो है रजिस्टर्ड देखने के लिए मिलेंगे। कुछ परसेंटेज प्लॉटों की बची हुई है जो मौके पर नहीं लगे किसी कारणवश, उनमें अभी अनरजिस्टर्ड प्लॉट आप देख सकते हैं। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आपको रजिस्टर देखने के लिए मिलेंगे। रजिस्टर्ड प्लॉट को खरीदना बहुत ही आसान है, बहुत ही सेफ है, उसे कोई भी खरीद सकता है। पहले बात आप ये क्लियर रखें, जो किसानों को ये प्लॉट दिए जाते हैं किसान जब चाहे इस प्लॉट को सेल कर सकता है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा एक ये ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, नोएडा में ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 50% कॉमर्शियल और 50% रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल वर्क के लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आप किसी भी लोकेशन पे चले जाएं नोएडा की या ग्रेटर नोएडा की, वहां पे आप देखेंगे तो इनमें आप कोई भी कॉमर्शियल काम करेंगे, चाहे रेंट का काम करें, चाहे कोई जिम सेंटर खोले, कोई कोचिंग सेंटर खोले, किसी भी तरीके का आप कोई काम करें जैसी भी ये लोकेशन पे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे लोगों को मिलते हैं। आप देखेंगे जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूं ग्रेटर नोएडा के, तो आप देखेंगे डिपो मेट्रो स्टेशन, बिल्कुल डिपो मेट्रो स्टेशन से लगे हुए किसान कोटा आबादी के प्लॉट है। इधर आप जाएंगे कासना, लुक्सर, खानपुर, जो बहुत ही डिमांडिंग प्लॉट है, उन्हें आप देखेंगे तो प्रॉपर वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। उसके बाद आप देखेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे पे भी आपको काफी लोकेशन जो है वो देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि चुहड़पुर काफी अच्छी लोकेशन है, यमुना एक्सप्रेसवे पे है और काफी वहां पे रेजिडेंशियल सोसाइटी और सेक्टर्स हैं अथॉरिटी के। आप किसी भी लोकेशन पे चले जाएं तो आपको अच्छी लोकेशन, कुछ लोग की ये क्या सेक्टरों में अंदर होते हैं, सेक्टरों में अंदर नहीं होते मगर सेक्टर जो अथॉरिटी के सेक्टर होते हैं उनके साथ ही लगे होते हैं, और सभी जगह पे बहुत ही बेहतरीन इनमें कॉमर्शियल वर्क जो है वो चलता है। आप इधर देखेंगे जहां पे एजुकेशन का पूरा हब है, यहाँ पे जैसे कि आपका तुगलपुर है, तुगलपुर के किसान कोटे के प्लॉट है, काफी डिमांडिंग में है और काफी कॉस्टली, लाख रुपए मीटर से ऊपर के भी आप रेट यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरीके से रेट की भी बात करेंगे, अलग अलग जगह पे क्या क्या रेट है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे प्लॉट मिलते हैं और एक कॉमर्शियल का बहुत ही अच्छा जरिया है। तो ग्रेटर नोएडा में हो या नोएडा में हो, रजिस्टर्ड प्लॉट है, उन्हें आप इजीली खरीद सकते हैं। क्या होता है जैसे पहले किसान के नाम पे रजिस्ट्री हो गई, पहली रजिस्ट्री, पहली लीज डीड किसान के नाम पे हो गई, उसके बाद अगर इन्हें कोई प्लॉट को खरीदता है तो पहले अथॉरिटी में उसका ट्रांसफर होगा, जो भी ट्रांसफर फीस है वो जमा कराई जाएगी, उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद जैसे ही ट्रांसफर लेटर आ जाता है तो आप उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी पे करने के बाद। तो इजी है खरीदना, सेफ है, कोई इशू नहीं है, कोई भी इन प्लॉटों को खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि किसानों को अलॉट हुए तो किसान ही एक दूसरे को खरीद बेच सकते हैं, वो किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सेफ है, कोई भी इन प्लॉटों को खरीद सकता है। अब आती है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की बारी, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिमांड में है और उसी के चलते चाहे फिल्म सिटी हो, एयरपोर्ट हो, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो, एजुकेशन का वहां पे बड़ा हब हो, उसे ही देखते हुए ग्रेटर नोएडा और नोएडा के जो रेट बढ़ रहे हैं तो उस पे अब हम चलते हैं कि वहां किस तरीके से किसान कोटे के प्लॉट खरीदे और बेचे जा रहे हैं। देखिए वहां पे एक लोकेशन है मात्र सेक्टर 25 जो डेवलप हो चुकी है,
देखिए रजिस्टर्ड प्लॉट होने के लिए पहले वहां पे डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो वे की लोकेशन है सेक्टर 25, जहां पे आप देखेंगे तो किसान कोटा प्लॉट की लोकेशन जो है वो लग चुकी है, प्लॉट्स जो है वो लग चुके हैं, डेवलपमेंट हो चुका है। तो वहां पे आपको 20% के आसपास रजिस्टर्ड प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, वही बेचे और खरीदे जा रहे हैं रजिस्टर्ड। बाकी आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, जो डिमांडिंग सेक्टर है सेक्टर 18, सेक्टर 20 जो टॉप सेक्टर है, सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 22, सेक्टर 24, सेक्टर 28, सेक्टर 29, सेक्टर 32, सेक्टर 33 या कोई भी एक्स वाई जेड सेक्टर है, तो वहां पे आप देखेंगे तो आज के टाइम पे आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट ही देखने के लिए मिलेंगे। ये अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी खरीदे और बेचे जाते हैं, ये आज से नहीं, जब से जमीन गई थी उसके आधार पे ही, जैसे कि नक्शा 11 होता है या लिस्ट वगैरह होती है उसके आधार पे ये प्लॉट खरीदे बेचे जाते हैं। नक्शा 11 जो होता है उस पे हम काफी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, आप कहेंगे तो और भी वीडियो बना देंगे। उसमें हमें देखना होता है कुछ चीजें कि कितनी किसान की जमीन गई है, इस हिसाब से कितना प्लॉट मिलता है इसको, वो सब कैलकुलेशन जो है वो नक्शा 11 से होती है। उसके बाद एक और प्रावधान होता है अथॉरिटी में, उसके बाद लिस्ट बनती है, लिस्ट के बाद शपथ पत्र बनता है, शपथ पत्र के बाद अलॉटमेंट लेटर मिलता है। तो मोस्टली आप देखेंगे तो अनरजिस्टर्ड प्लॉटों के लोगों के पास या तो नक्शा 11 है या उसके बाद उनकी लिस्ट है। तो वहां पे वो जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट है वो 2009 के बाद जैसे ही जमीन गई थी, लोगों को नक्शा 11 मिल चुके थे, उसके बाद से ही उसमें सेल परचेजिंग स्टार्ट हो गई थी। पहले वो प्लॉट खरीदे जाते थे 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए मीटर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, एयरपोर्ट का क्लियर हुआ, फिल्म सिटी का क्लियर हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ सेक्टर 18-20 का, रेट जो है वो बढ़ते चले गए लोकेशन के हिसाब से। आज के टाइम पे आप रेट देखेंगे तो काफी ऊपर आपको रेट देखने के लिए मिलेंगे, जो कि रेट बढ़ के कभी 6000 हुए, 7000 हुए, 8000 हुए, 10000 हुए, 15000 रुपए मीटर हुए। तो इस तरीके से अनरजिस्टर्ड के भी रेट बढ़ते रहे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहा, लोगों को पता चलता रहा कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा में क्या इनकी डिमांड है। नोएडा में आप देखेंगे तो लाख रुपए मीटर से लेके और आपको 1 लाख 50 हजार रुपए मीटर के आसपास का रेट देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर अगर रजिस्टर्ड प्लॉट आप ग्रेटर नोएडा में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 45-50 हजार रुपए मीटर से लेके और 70-75 हजार रुपए मीटर तक के रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग लोकेशन पे और उनके रोड के साइज के हिसाब से। तो इसी को देखते हुए लोगों ने वहां पे अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीदने स्टार्ट कर दिए। अनरजिस्टर्ड प्लॉट अगर आप खरीदते हैं, अब बात आती है उसको कि उस प्लॉट को आप किस तरीके से खरीद सकते हैं, कितना सेफ है और किसको ये प्लॉट खरीदने चाहिए, इस पे अब डिटेल से बात करेंगे। देखिए अनरजिस्टर्ड प्लॉट है अभी ना तो अथॉरिटी में उसका ट्रांसफर है और ना ही उसकी रजिस्ट्री है। अनरजिस्टर्ड प्लॉट को आप खरीद सकते हैं, इसमें आपका एग्रीमेंट होता है किसान के साथ जो कि 2% का स्टाम्प, 0.5 की रसीद लगती है। तो एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है जिसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि साल भर बाद या इस तरीके से खत्म हो जाएगी, वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। जब तक दोनों पार्टियों में समझौता नहीं होगा तब तक वो प्लॉट, वो एग्रीमेंट जो है वो खत्म नहीं होगा, निरस्त नहीं होगा। एक पार्टी कभी भी चाहे तो एग्रीमेंट को निरस्त नहीं करा सकती है। इसके बाद आपका जीपीओ होता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जीपीए इसके साथ साथ होता है। इसके बाद आपका इसमें वसीयत, अगर किसान जो आपको ये प्लॉट बेच रहा है किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो आपको वसीयत करके जाता है और वसीयत के आधार पे आपकी आने वाले टाइम में ट्रांसफर और रजिस्ट्री हो जाती है। तो ये प्लॉट इस तरीके से वहां पे खरीदे जाते हैं, यानी कि एग्रीमेंट और विल और आपका जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, वहां पे तीन उनके आधार पे ये प्लॉट खरीदे और बेचे जाते हैं। अब कौन इन प्लॉटों को खरीद सकते हैं, देखिए इसमें थोड़ा बहुत बेईमानी का होता है, क्योंकि जैसे कहते हैं पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, उसी तरीके से हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। अब ये प्लॉट खरीद रहे हैं, आज कम रेट पे है, ये कंफर्म है कि कल को रेट बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। आप सेक्टर 18 बीच में जो प्लॉट है उनके स्टार्टिंग प्राइस ही आप देखना कि आपको 70-75-80 हजार रुपए मीटर से स्टार्ट होगी और लाख रुपए मीटर तक भी जा सकती है, क्योंकि आप इनको अथॉरिटी के जो प्लॉट है उनसे ज्यादा कम ना समझे, क्योंकि इनमें कॉमर्शियल काम होने की वजह से। और आप देखेंगे तो आपको जो सेक्टर्स हैं सेक्टर 18, सेक्टर 20, कॉमर्शियल मोस्टली प्लॉट यही देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग विलेज जैसे लगे हुए हैं अलग अलग पॉकेटों से, तो कॉमर्शियल फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे रेट ही रजिस्टर्ड प्लॉट जब भी हो चाहे उसमें कितना ही टाइम लगे तो आपको 70-75 हजार से लेकर लाख रुपए मीटर के आसपास के रेट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको अथॉरिटी के प्लॉट्स के रेट जो है छोटे साइज के 60 मीटर 120 मीटर 90 मीटर इनके अगर आप रेट देखेंगे तो लाख रुपए मीटर से ऊपर है आज के टाइम पे अथॉरिटी के प्लॉट। अगर ये जितना भी कुछ टाइम लगता है उसके बाद जब भी ये प्लॉट आएंगे तो इसी तरीके का आप रेट देखेंगे।
और आज के टाइम पे अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीदते हैं तो उसका रेट है कम, तो किसान के मन में थोड़ी बहुत बेईमानी जरूर आती है कि आज रेट बहुत ज्यादा है, वो डिमांड कर सकता है थोड़ी बहुत, तो उसमें डिपेंड करता है अब आप कैसे किसान का ये प्लॉट खरीद रहे हैं। मैंने पहले भी काफी वीडियो में क्लियर आपको बताया, देखिए आप ये प्लॉट तभी खरीदे जब या तो आप किसान को बहुत अच्छे से जानते हो, किसान आपका जानने वाला हो, तब आप ये प्लॉट खरीदे, नहीं तो आपको इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल को अगर कुछ, आज आपका पैसा आपके पास है, कल को कुछ भी हो सकता है, अगर किसी गलत आदमी के हाथों में पैसा जाता है, या जिस डीलर के साथ आप डील कर रहे हैं उसे आप अच्छे से जानते हो, पहले वो आपके साथ आपका कोई लेन देन हो चुका हो, किसी तरह की प्रॉपर्टी उन्होंने आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या कहीं भी दिलाई हो, उनके साथ आप ये डील कर सकते हैं। एक बात का और क्लियर ध्यान रखना, कुछ लोग ये डील करते हैं चाहे वो नोएडा दिल्ली या ग्रेटर नोएडा या गुरुग्राम, वहां बैठ के किसान कोटे की डील करते हैं, उनके साथ आप अथॉरिटी के प्लॉट खरीद सकते हैं, एग्रीकल्चर जमीन खरीद सकते हैं जिसमें आपके नाम रजिस्ट्री या ट्रांसफर हो गया, आप किसान कोटे का प्लॉट उनसे मत खरीदना भूल के भी, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो किसान कैसा है, बस उन्हें अपनी कमाई देखनी है, उनको नहीं है पता इस किसान का पहला बैकग्राउंड कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। ये डील आप करें लोकल डीलर के साथ, लोकल डीलर इसमें हो सकता है कि आपके हमेशा साथ रहे, जब भी जरूरत पड़े किसान को बुलाना है रजिस्ट्री के टाइम पे, रजिस्ट्री करानी, क्योंकि जो उस गांव से है या उसके आसपास से उसका प्रभाव अलग है, अगर बाहर कोई डील कर रहा है, देखिए आज डीलर है, डीलर का काम यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में अच्छा चल रहा है, बूम पे है प्रॉपर्टी, इसलिए वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कल को कोई और लोकेशन आती है चाहे वो राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, तो वो वहां जाके डील करने लगेंगे, आप कहाँ किसान को पहचानेंगे, कहाँ किसान को ढूंढेंगे, तो आप ये डील करें, अगर किसान कोटे का प्लॉट खरीदे तो वो आप खरीदे लोकल डीलर के साथ, लोकल डीलर कल को आपके साथ रहेगा, लोकल डीलर भी वो जिसको आप अच्छे से जानते हो। देखिए यहां मतलब नहीं है लोगों को कि आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिले, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, साफ सुथरा काम करते हैं, अच्छा काम, जो चाहते हैं कि आगे तक अपना काम चले, मगर कुछ इस प्रवृत्ति के लोग हैं कि जिनको बस अपना मतलब है कि आज अपने पास पैसा आ जाए चाहे उसे प्रॉपर्टी मिले या ना मिले, तो उन लोगों से आपको बचना है, वो आपको देखना है, किसी के भी झांसे में नहीं आना है, और इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से चेक करने हैं, जिसपे हम काफी वीडियो पहले भी बना चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं हमें, हम वो वीडियो आपको शेयर कर देंगे, या जो नंबर मैंने प्रोवाइड कराया इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम उस वीडियो का लिंक आपको भेज देंगे। कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नक्शा 11, नक्शा 11 में आपको सबसे मेन क्या होता है, जहां किसान का नाम लिखा होता है उसके नीचे लिखा होता है निवास ग्राम या उसका एड्रेस, अगर निवास ग्राम है तो वो ओके है, ऊपर नाम लिखा होगा नक्शा 11 में और नीचे नाम के नीचे निवास ग्राम लिखा होगा तो वो चीज ओके है, अगर उसमें एड्रेस यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के क्षेत्र से बाहर का है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा का है, नोएडा का है, दिल्ली का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, किसी भी राज्य का है, किसी भी शहर का है, तो वो आता है गैर पुश्तैनी प्लॉट। अभी तक गैर पुश्तैनी प्लॉटों जो किसान है, गैर पुश्तैनी क्या हो गया मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए जब पता चला था कि यमुना एक्सप्रेसवे बनना तैयार हुआ है और यहाँ पे इस तरीके की फ्यूचर में प्रोजेक्ट आएंगे, परियोजनाएं आएंगी, तो लोगों ने यहाँ एग्रीकल्चर जमीन खरीदना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर जमीन उन्होंने इस उद्देश्य से खरीदी कि आज पैसा भी मिलेगा और कल को प्लॉट भी मिलेगा। मगर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, इसमें एक रूल है कि प्लॉट जो है वो पुश्तैनी लोग, पुश्तैनी हो गए जिनकी पुरानी जमीन चलती हुई आ रही है, जो वहां के निवासी हैं, जिनकी पुरानी जमीन है, तो वो हो गए पुश्तैनी, और जिन्होंने जाके वहां जमीनें खरीदी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो हो गए गैर पुश्तैनी। तो गैर पुश्तैनी को कभी भी अभी ना तो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी, ना ही ग्रेटर नोएडा और ना ही नोएडा अथॉरिटी प्लॉट नहीं देती है, अभी कोई रूल नहीं है, इस पर काफी कोर्ट में केस वगैरह है, पेंडिंग में केस चल रहे हैं, मगर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। देखिए आप खरीदे पुश्तैनी लोगों के ही प्लॉट, अब पुश्तैनी लोग का आपको नक्शा 11 में चेक करना है कि इनका निवास ग्राम है, या उनके आधार कार्ड पे भी आप देख सकते हैं, बाकी आधार कार्ड में भी आजकल होता है कि लोग बाग प्रॉपर्टी सेल करने के चक्कर में अपना एड्रेस चेंज करा लेते हैं, बहुत इजी है ये सब काम हमारे इंडिया में हो जाते, तो आप आधार कार्ड पे भी ना जाए, आप नक्शा 11 से ही पता लगाएं सारा कुछ, नक्शा 11 से सारी जानकारी हो जाती है आपको, पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी का उसमें देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप गैर पुश्तैनी प्लॉट खरीद लें और कल को फ्यूचर में आपको दिक्कत हो। तो ये भी उसके बाद क्या होता है कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस से, कुछ लोग कहते हैं जी क्या पता किसान ने पहले सेल करा रखा है नहीं करा रखा है, तो इसको आप रजिस्ट्रार ऑफिस से चेक करा सकते हैं कि ये प्लॉट, ये जो सरकार खसरा नंबर है, ये प्लॉट है इस आदमी के नाम से,
क्या ये पहले सेल हुआ है नहीं हुआ है, उसका वहां से क्लियर पता चल जाता है। बाकी कोई भार वगैरह है उसके लिए आप सर्च रिपोर्ट भी निकलवा सकते हैं। तो सभी काम होते हैं, सभी अभी यहाँ पे अच्छे प्लॉट भी हैं जो सेल होते हैं, और कुछ लोग इस तरीके के जो गैर पुश्तैनी प्लॉट हो गए या बिके हुए प्लॉट हो गए, इनसे आप बच के रहें, क्योंकि वो भी सेल करने के चांस में रहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सेल हो जाए, जिसमें काफी मोटा वो कमा लेते हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। तो यही जानकारी आज की वीडियो में आपको किसान कोटा प्लॉट से रिलेटेड थी। अभी सेक्टर जो सेक्टर 25 है वहीं पे आपको खाली रजिस्टर्ड प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। और एक बात का और इसमें ध्यान रखें, मैं आपको बताऊं, हमारे पास ऐसी काफी बार कॉल आती है और काफी बार लोग हमें कॉल करके बताते हैं कि जी हम वहां प्लॉट ले रहे हैं। और हाँ, मैं एक बात और आपको ऐड कर दूं, आप अगर आपने कोई प्लॉट यहाँ पे खरीद भी रखा है तो आप हमें बता सकते हैं, कॉल करके भी बता सकते हैं या वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में, हम आपको चेक भी करके बता देंगे कि आपने ये प्लॉट खरीदा है गैर पुश्तैनी या पुश्तैनी है, वो भी चेक करके हम आपको बता देंगे। प्लॉट पहले खरीदा जा चुका है या अभी इस प्लॉट को नहीं खरीदा गया है, आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो उसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं। एक बात का और आप यहाँ पे ध्यान रखें, कुछ लोग डीलर जो है, कुछ लोग इस तरीके से लोगों को फंसाते हैं। क्या होता है कि सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22 या सेक्टर 17, ये है डिमांडिंग सेक्टर, ये डेवलप सेक्टर है, यहाँ पे जल्दी ही प्लॉट मौके पे देखने के लिए मिल सकते हैं किसान कोटे के। अब क्या करेंगे लोग कि जब किसानों की जो जमीन है वो जैसे कि सेक्टर 24 की, सेक्टर 23 की, सेक्टर 15 की, सेक्टर 14 की का मुआवजा मिल चुका है, वहां रेट है बहुत कम किसान कोटे के प्लॉट के, यहाँ पे है रेट ज्यादा सेक्टर 18, सेक्टर 20 में, और या तो वो बता के वहां का प्लॉट कि ये प्लॉट सेक्टर 18 में आता है या सेक्टर 20 में आता है, इस तरीके से आप वो ध्यान रखें कि जिस गांव के जिस नक्शे में जो मैप है अथॉरिटी का, जो सेक्टर का मैप है, उस सेक्टर में जो भी विलेज आएगा, ये प्लॉट विलेज के पास और सेक्टर से लगे हुए, जैसे कि कोई भी एक्स वाई जेड विलेज है, जैसे कि आपको मैं उदाहरण के हिसाब से बताऊं, सेक्टर 18 सेक्टर 20 में रामपुर है, मिर्जापुर है, लीलोनी है, और आपका सेक्टर 20 में रुस्तमपुर है, आछेपुर है, चांदपुर है, पारसोल है या छेजा है सेक्टर 18 में। तो इन अब मान लीजिए कोई भी गांव है, लीलोनी मिर्जापुर ही आप गांव लगा ली, तो लीलोनी मिर्जापुर के जो प्लॉट होंगे वो आपको गांव से लगे हुए और सेक्टर से लगे हुए, सेक्टर 18 में तो सेक्टर 18 से लगे हुए प्लॉट मिलेंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि वो गांव तो है सेक्टर 14 में, जैसे कि वेलाना, अब उसका प्लॉट बता देंगे कि ये आ रहा है सेक्टर 18 में, आप ये प्लॉट खरीद लीजिए। जैसे कि भट्टा विलेज जो है, जो सेक्टर 16 में आता है, जहां पिछली बार अलॉटमेंट आई थी, तो वो आता तो सेक्टर 16 में, उसको बता देंगे कि ये सेक्टर 20 में आता है जी, ये सेक्टर 18 में आता है, वहां रेट कम है, यहाँ पे रेट ज्यादा है, इस चक्कर में ज्यादा रेट में बेचने के लिए उस गांव को ऐड कर देते हैं सेक्टर 18 सेक्टर 20 में। कुछ लोगों ने तो बहुत वो चलाया हुआ है कि फिल्म सिटी आता है सेक्टर 21 में, और सेक्टर 21 में के मैप में आप देखें, मैप पे जाके, इतना तो आप भी जानते हैं जब यहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जहां लाखों में आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप भी सर्च कर सकते हैं। आंख बंद करके कभी डीलर पर विश्वास ना करना, क्योंकि डीलर की इस तरीके की आदत बन जाती है कि वो हेरा फेरी जरूर करते हैं। तो आप देखेंगे सेक्टर 21 जो है, जिसमें फिल्म सिटी है, उसमें कोई भी गांव नहीं आता है, यानी कि वहां पे कहीं भी किसान कोटे के प्लॉट नहीं है। किसान कोटे के प्लॉट अगर वहां की जमीन जाती है, तो अब मानो सेक्टर 21 में जो जमीन आती है वो आती है रुस्तमपुर गांव की मोस्टली, या आती है रघुपुरा गांव की, या किसी और गांव के, वो प्लॉट मिलेंगे उनको रुस्तमपुर के आसपास, यानी कि सेक्टर 20 में। अगर रघुपुरा की जमीन जाती है तो रघुपुरा है सेक्टर 34 में, तो उसमें उसको प्लॉट मिलेगा, ना कि उसको सेक्टर 21 में। तो आप फिल्म सिटी के नाम पे इस तरीके से प्लॉट ना खरीदें। कुछ लोग कि हमें मेडिकल डिवाइस सेक्टर 28 जो है इसमें प्लॉट मिलेगा, देखिए सेक्टर 28 में कोई भी गांव नहीं आता है उसमें, हाँ जमीनें आती हैं किसानों की, मगर जिस किसान की जिस गांव से जमीन आती है उसको वहां प्लॉट मिलेगा। इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आप एक अच्छा प्लॉट यहाँ पे खरीद पाएंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया, आज के टाइम पे रेट बहुत कम है, आज आप खरीदेंगे। तो साथियों, आपको मुझे लगता है कि मैंने सारी जानकारी जो है वो किसान कोटा से रिलेटेड दे दी है। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है आप उसकी जानकारी चाहते हैं, या कोई प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं, तो आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके उसकी जानकारी ले सकते हैं, कॉल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसान कोटे में, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्लॉटों में, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।